अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्रिएटिव अश्विनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव अश्विनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रिल नेकलाइन, या फिर इसे रफल नेकलाइन भी बोल सकते हैं, जिसका बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताती रहूँगी, तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3.5 इंच के यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर ली है। इसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ आप अपने नेक लाइन के हिसाब से रख सकते हैं। नेक लाइन के जितना भी राउंड होगा उससे हमें इसे 3 टाइम्स ज़्यादा लेना है। और ये जो हमारे स्ट्रिप हमने यहाँ पे कट कर ली है, इसे साइड से हमें यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे ये क्लोथ को मिडल से फोल्ड करके हमें अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पे मैं आयरन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हम लोग स्टिच देंगे वो प्रॉपर मिडल से आएगी। अब यहाँ पे मशीन पे हमें जो सिलाई है उसका जो 5 नंबर होता है उसके ऊपर हमें पहले मशीन को सेट कर लेना है, ताकि इससे क्या होगा जो सिलाई है थोड़ी मोटी आएगी। ये एक बार सेट हो जाने के बाद में हमने जो आयरन किया था और जो मिडल लाइन यहाँ पे हो गई थी उसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। हमें इसे पूरा एंड तक स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे जो थ्रेड है इसमें से एक थ्रेड को साइड में कर लेना है। और अभी क्लोथ को हमें होल्ड करके इस थ्रेड क्लोथ को हमें नीचे पुल करना है। इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, नहीं तो थ्रेड टूट जाएगा और आपको ये प्रोसीजर फिर से करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा केयरफुली धीरे धीरे इसे क्लोथ को पुल करना है, तो ये फ्रिल बनते चले जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे में फ्रिल बन रही है अभी। ये फ्रिल बनने के बाद कुछ इस तरह लगेगी, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये पूरी स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह लगेगी। मैंने इसमें अच्छे से प्लीट्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारी नेकलाइन है वहाँ पे ये जो हमारी जो मिडल वाली जो हमने जहाँ से हमने स्टिच करे थे वहाँ से हमें इसे होल्ड करके इसे पिन अप कर लेना है। अब मैं यहाँ से पिन अप कर ले रही हूँ ताकि ये जो फ्रिल है ये हिले नहीं और इसे स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसे प्रॉपरली पिन अप कर लेना है।
जब हम इस फ्रिल को लगाएंगे ये बार बार टर्न होते रहती है, तो इसे हमें स्ट्रेट कर करके इस स्ट्रिप को अच्छे से अटैच कर लेना है। अब ये पिनअप हो गई है, इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच दे देनी है। ये स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह लग रही है, और आप चाहे तो इसको यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम फ्रिल लगा सकते हैं। सेम मेथड के साथ में ये फ्रिल बना लेनी है और यहाँ पे हमें लगा लेनी है। तो ये टॉप बन के रेडी है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। ये बच्चों की ड्रेस में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।